सब्सक्राइब करें टेक्निकल टीचर चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए नए वाले टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम आ रहा है कि मैं माउस भी हिला रहा हूँ लेकिन ब्लैंक स्क्रीन और सिर्फ कर्सर आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि जो पावर बटन है सीपीयू का, यहाँ पे मैं प्रेस करके रख रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम आपके लैपटॉप में भी हो सकती है। तो लैपटॉप का जो पावर बटन है इसे आप प्रेस करके रख लीजिए, तो ये जो है वो शट डाउन हो जाएगा। तो फिर से हम यहाँ पे पावर जो है वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो इसके बाद मैं आपको यहाँ पे F8 जो है इससे हमारा स्टार्टअप रिपेयर जो है वो आ जाता है। तो आपका लैपटॉप हो या फिर डेस्कटॉप हो उसका कहाँ से आता है आप देख लीजिए। तो मैं यहाँ पे रिपेयर योर कंप्यूटर इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, एंटर बटन मैंने दबाया है। तो विंडोज इज लोडिंग फाइल्स ऐसा आपको यहां पे दिखा सकता है। ठीक है, तो दिखाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का लोगो आ जाएगा। तो यहां पर कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। मेरा यहां पे 4 या 5 यूजर्स हैं, इस वजह से यहां पे जो एडमिन है इसका जो लॉगिन है वो यहां पे मुझे दिखा रहा है। तो आपका अगर एक ही यूजर होगा तो आपको यहाँ पे लॉगिन कुछ नहीं दिखाएगा। तो लैंग्वेज जो है US, तो इसके बाद एडमिन का जो पासवर्ड है वो मुझे यहाँ पे देना पड़ता है। तो ठीक है, तो ये पासवर्ड मेरा हो चुका है। तो इसके बाद हम कमांड प्रॉम्प्ट, ये जो ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो इसे प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है, तो कमांड प्रॉम्प्ट पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे एक कोड जो है यहाँ पे देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ SFC स्पेस दे रहा हूँ स्लैश, उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ SCSCAN नाउ का जो है SCAN नाउ स्कैन नाउ जो है, उसके बाद मैं एक स्पेस दे रहा हूँ स्लैश दे रहा हूँ और ऑफ बूट मैं ऐसा यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। तो ऑफ बूट, तो ये जो कोडिंग है डिस्क्रिप्शन में भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप वहाँ से भी देख लीजिए और इस स्क्रीन पर भी मैं जो है वो दे दूंगा, तो आपको समझने में यहाँ पे जरा अच्छी तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हो इसे। ठीक है, तो डब इज इक्वल टू ई, ये जो होता है तो यहाँ पे हमारा यानी जो सी होता है तो यहाँ पे स्टार्टअप रिपेयर में ई दिखाता है। तो ठीक है, तो ई जो है मैं यहाँ पे सब जो है टाइप कर लेता हूँ और टाइप करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद मैं एंटर दबाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ ब्लर कर रहा है स्क्रीन जो है। तो यहाँ पे ऑफ विन डायरेक्टरी यानी DIR ऐसा मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। तो आप मैं आपको पूरा हो जाने के बाद मैं सबसे क्लियर जो है आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। तो ई ऑब्लिक विंडोज ये जो है, तो यहाँ पे ये कहाँ ये कुछ एरर दिखा रहा है यहाँ पे, ये जो फाइल है यहाँ पे मैच नहीं हो रही है, सर्च नहीं हो रही है। तो यहाँ पे फिर से मैं क्या करूँगा, विंडोज जो है यस में यहाँ इसका निकाल दूंगा। ठीक है, तो यस निकालने के बाद देखेंगे कि ये जो है होता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे यस जो है डिलीट करने वाला हूँ, डिलीट। तो देखेंगे कि कहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। ठीक है, तो यस निकालने के बाद भी यही प्रॉब्लम आ रहा है। तो वही कोड मैं यहाँ पे फिर से एंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो कर्सर जहाँ पे है वहाँ पर मुझे एक स्पेस देके देना चाहिए, तो वो मेरा रह चुका है। तो ठीक है, इसके बाद मैं एंटर दबाऊंगा और एंटर दबाने के बाद ये जो है यहाँ पे विंडोज रिसोर्स प्रोटेक्शन कुल नॉट बी स्टार्ट द रिपेयर सर्विस ऐसा दिखा रहा है। लेकिन अगर ऐसा दिखाएगा उसके बाद भी हमारा जो कर्सर ब्लैंक स्क्रीन और कर्सर आ रहा था तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एग्जिट ये जो ऑप्शन है यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ, इसके बाद मैं रिस्टार्ट कर लूँगा और रिस्टार्ट करने के बाद ये जो प्रॉब्लम है हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि कुछ फाइल्स होती है जो उनका एट्रीब्यूट जो है वो चेंज हुआ होता है। तो इस प्रकार से स्टार्ट विंडोज नॉर्मली में यहाँ पे कर लूँगा तो विंडोज जो है हमारा स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद जो यूज़र्स होते हैं लॉगिन के लिए उनका लॉगिन यहाँ पे आ जाएगा। तो आप भी अगर आपके लैपटॉप में कंप्यूटर में ऐसा प्रॉब्लम दिखा रहा है तो ये जो कोड मैंने CMD में डाला हुआ था तो ये जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि माउस कर्सर जो है, ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये जो लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है इस प्रकार से खुल जाएगा और आप जो है बिना फॉर्मेट किए अपने मशीन को इस प्रकार से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार के जो टेक्निकल के वीडियो हैं मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर हमेशा लेकर आता हूँ। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। वीडियो